एनीवे गाइज, मैंने अपना जो सेटअप है वो थोड़ा बहुत चेंज किया है। यहाँ पे देख सकते हो ब्लू बैकग्राउंड यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा बहुत लाइटिंग यहाँ पे लगा रखे, थोड़ा बहुत लाइटिंग यहाँ पे हमने यहाँ पे भी लगा रखे है, और एक छोटा सा प्लांट यहाँ पे लगा रखा है। तो आई गेस अच्छा लग रहा है। मेरे को बताओ यार कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है नया वाला सेटअप, पहले वाला सेटअप ज़्यादा अच्छा लगता था या फिर जो ये नया वाला सेटअप है ये ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और एक्चुअली में हम लोग मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप वो सारे लोगों में से हो जिन लोगों को यहाँ पे एक मिनी ATX मदरबोर्ड पसंद नहीं है, जिन लोगों को यहाँ पे एक फुल साइज ATX मदरबोर्ड पसंद है, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आप जो है कोई मिनी ATX वाला जो मदरबोर्ड है उनको आप जो है नॉर्मल जो ATX वाले कैबिनेट्स होते हैं उन पर आप फिट करते हो तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सोना सोना लगता है, बहुत एकदम खाली खाली लगता है, लगता है कि यहाँ पे इतना बड़ा कैबिनेट है, इतना छोटा सा मदरबोर्ड है, एकदम फिट नहीं होता, लाइक एस्थेटिक्स वाला जो फील है वो नहीं आता है, राइट। हालांकि यहाँ पे आपके PC में RGB लगा हुआ नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे जो फुल साइज यहाँ पे जो मदरबोर्ड्स होते हैं और जो मिनी ATX वाले मदरबोर्ड्स होते हैं उनमें कई सारे डिफरेंसेस हैं, और जो मिनी ATX वाले जो मदरबोर्ड का जो यहाँ पे कैबिनेट्स है वो भी यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप उस टाइप के पसंद हो जिनको यहाँ पे मिनी ATX वाले जो मदरबोर्ड वो पसंद नहीं है, आपको जो है फुल साइज ATX मदरबोर्ड पसंद है, साथ ही साथ यहाँ पे आप जो कोई ऐसा गेमिंग मदरबोर्ड ढूंढ रहे हो जिसमें आपको जो है अच्छा खासा RGB मिले, मतलब कि RGB हीटर्स भी मिले, इनबिल्ट मदरबोर्ड RGB मिले, और यहाँ पे आने वाले जितने सारे Ryzen प्रोसेसर है, Ryzen CPUs है, उनको भी सपोर्ट करे, चाहे वो Ryzen का फर्स्ट जन हो, सेकंड जन हो, थर्ड जन हो या फिर इवन फोर्थ जन हो, तो भाई आप सही वीडियो पे आए हो। What's up guys, कुशाल है, you're watching Minus 80s, और guys, आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले Gigabyte की तरफ से आने वाला B450 Aorus Elite मदरबोर्ड। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि हमारे कोई वीडियोस मिस ना करो, और अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। प्राइसिंग की बात करते तो ये मदरबोर्ड आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा अराउंड 9500 रुपीज़ का। तो वीडियो के एंड में अगर आपको ये खरीदना है तो बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप इसको डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं तो Gigabyte B450 Aorus Elite कुछ इस टाइप का बॉक्स में आता है, सामने में सिर्फ मॉडल नंबर और कुछ फीचर हाईलाइटेड कर रखा है जैसे कि RGB, B450, चिपसेट और एक्सेट्रा। बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाता है द मेन मदरबोर्ड, और इसके बारे में हम लोग कुछ देर में बात करने वाले हैं, तो इसको हम लोग फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको दो सेटअप पोर्ट देखने को मिल जाता है इसके साथ, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है एक USB ड्राइवर CD, एक Aorus का लोगो स्टिकर जिसको आप कहीं पे भी चिपका सकते हो, और साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता है M.2 लगाने के लिए एक स्टैंड ऑफ और एक माउंटिंग स्क्रू जिसके जरिए यहाँ पे आप M.2 को यहाँ पे लगाने वाले हो, एंड दैट्स इट। और बात करते हैं इस मदरबोर्ड का डिज़ाइन के बारे में, तो ये जो एक फुल ATX साइज का मदरबोर्ड है और इसमें आपको फुल्ली गेमिंग डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, चाहे आप वो बैक IO शाउट की बात करें या फिर साउथ ब्रिज हीट सिंक की बात करें, सभी जगह पे काफ़ी सारे पैटर्न्स दिया गया है, एंड साथ ही साथ इसका जो ब्रश्ड सिल्वर डिज़ाइन है वो भी काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। और यहाँ पे M.2 का फर्स्ट लॉट में यहाँ आपको एक प्री इंस्टॉल्ड हीट सिंक भी मिल जाता है जो आपके NVMe या फिर SSD M.2 को कूल रखेगा। RGB की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि IO शाउट का जो Aorus लोगो है वो यहाँ पे लाइट अप नहीं होता है, बट जो साउथ ब्रिज का लोगो है वो यहाँ पे फुल्ली RGB में लाइट अप होता है, साथ ही साथ आपको ये वाला पोर्शन में RGB ट्रेल लाइट भी देखने को मिल जाता है, और बस इतने ही RGB आपको ये पूरे मदरबोर्ड में मिल जाता है। बट एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये वाला जो मदरबोर्ड है इसमें आपको हर सेक्शन में हीटसिंक दिया गया है, चाहे आप VRM सेक्शन की बात कर रहे हो या फिर M.2 सेक्शन की बात कर रहे हो या फिर आप साउथ ब्रिज सेक्शन की बात कर रहे हो, सारी जगह पे यहाँ पे हीटसिंक डाल के रखे हैं, विच आई रियली अप्रिशिएट। CPU सपोर्ट की बात करें तो इसमें आप एक मैक्स टू मैक्स Ryzen 9 3950X CPU का लगा सकते हो और लोएस्ट एक Athlon CPU को भी पेयर कर सकते हो इस मदरबोर्ड के साथ। तो जाहिर सी बात है इसमें आप Ryzen फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन सारे के सारे CPUs को यहाँ पर लगा सकते हो, इवन फोर्थ जनरेशन को भी यहाँ पर आप इसमें यूज़ कर सकते हो न्यू BIOS को रिलीज होने के बाद। रैम स्लॉट्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको टोटल 4 रैम स्लॉट देखने को मिल जाता है और हर एक स्लॉट में आप मैक्स टू मैक्स एक 16GB स्टिक लगा सकते हो, यानी कि आप पूरे के पूरे मदरबोर्ड में मैक्सिमम 64GB रैम को यहाँ पे आराम से लगा सकते हो। रैम स्पीड की बात करते हैं, ये मदरबोर्ड ओवरक्लॉक मोड में मैक्सिमम एक 3600MHz का रैम सपोर्ट करता है, तो अगर आपका रैम 3600MHz सपोर्ट करता है तो आपको उसको OC मोड में यहाँ पे चलाना पड़ेगा। बात करें बैक IO पोर्ट्स की तो यहाँ पर आपको 4 USB 2.0 का पोर्ट्स मिल जाता है, एक PS2 पोर्ट भी दिया गया है पुराने जमाने का कीबोर्ड और माउस को लगाने के लिए। वीडियो आउटपुट के लिए यहाँ पर आपको एक DVI-D पोर्ट दिया गया है, बट ध्यान रहे ये एनालॉग इनपुट को सपोर्ट नहीं करता है। और इसी के साथ साथ यहाँ आपको एक HDMI 2.0 का पोर्ट भी इसमें आपको दिया गया है। इसके ठीक नीचे आपको 4 USB 3.1 Gen 1 के पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है, और इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है एक 7.1 सराउंड साउंड इनपुट जो कि Realtek HD Audio कोडेक को यूज़ करता है,
और लैन पोर्ट में यहाँ पर आपको रियलटेक का 8118 गेमिंग ग्रेड लैन पोर्ट दिया गया है। इसमें आप मैक्सिमम 1 Gbps तक का कनेक्शन यूज कर सकते हो। बात करें इंटरनल हेडर्स की तो इस मदरबोर्ड में आपको टोटल 4 फैन हेडर्स दिया गया है। अब ये सारा हेडर्स जो है स्मार्ट फैन हेडर्स है, यानी कि आप इसमें अगर आप कोई फैन इनपुट या फिर वाटर पंप कनेक्ट करते हो तो ये जो है ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको ऑप्टिमाइज कर लेगा। साथ ही साथ ये वाला मदरबोर्ड में 8GB हेडर्स में यहाँ पे आपको एक 8GBW का हेडर दिया गया है, जहाँ पे आप जो डिजिटल 8GB को जो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, और 2 ARGB हेडर्स इसमें आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप जो कोई भी ARGB स्ट्रिप या फिर कोई भी 8GB पेरिफेरल्स को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करके यहाँ पे आप जो है 8GB फ्यूजन सॉफ्टवेयर के जरिए इसके इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो। और CPU 8GB कूलर के लिए यहाँ पे आपको अलग से एक 8GB हीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है बेटर केबल मैनेजमेंट के लिए। SATA पोर्ट इसमें आपको टोटल 6 मिल जाता है और M.2 के पोर्ट्स यहाँ पे आपको 2 मिल जाते हैं, जिसमें से एक PCIe या फिर NVMe M.2 को सपोर्ट करता है। बट ध्यान रहे, अगर आप यहाँ पे कोई भी एक M.2 का स्लॉट में कोई M.2 यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपके 6 SATA पोर्ट्स में से 2 SATA पोर्ट्स जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा, यानी कि तब आप जो है यहाँ पे टोटल 4 SATA पोर्ट्स को यूज़ कर सकते हो। PCIe 16x स्लॉट यहाँ पे आपको 2 मिल जाते हैं, फर्स्ट वन रन्स ऑन 16x एंड द सेकंड वन रन्स ऑन 4x। तो अगर आप इसमें कोई ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो है फर्स्ट स्लॉट पे इंस्टॉल करें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। और PCIe 1x स्लॉट यहाँ पे आपको 2 दिया गया है, जिसमें आप जो कोई भी कैप्चर कार्ड या फिर वाईफाई कार्ड या फिर अदर पेरिफेरल्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। USB 2.0 का हेडर इसमें आपको 2 दिया गया है फ्रंट पैनल के लिए, और एक USB 3.0 हेडर भी दिया गया है फ्रंट पैनल USB पोर्ट्स के लिए। बात करते हैं सॉफ्टवेयर या फिर कंट्रोल्स की, तो इसमें आपको सारा का सारा RGB को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको GigaByte का RGB फ्यूजन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर इसका एक एंड्रॉइड वर्जन भी अवेलेबल है जिसके जरिए आप जो है अपने फ़ोन से ही इसके सारे के सारे RGB कलर्स को या फिर FX को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और कैबिनेट फैन या फिर CPU फैन स्पीड को आप जो है GigaByte का फैन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आपके फैन स्पीड को AI के जरिए कंट्रोल कर लेता है। लास्टली VRM सेक्शन की बात करते हो, देखो मेरे पास कोई हाई एंड AMD CPU नहीं था जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था, तो मैं इसमें स्ट्रेस टेस्ट वगैरह नहीं कर पाया। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसमें एक Ryzen 5 2400G को इंस्टॉल किया था और उसमें मैंने कई सारे बेंचमार्क किए थे और बहुत सारे CPU टेस्ट किया था CPU Z के जरिए, मतलब CPU स्ट्रेस टेस्ट किया था CPU Z के जरिए। बट मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक बार भी यहाँ पे PC क्रैश नहीं किया या फिर ब्लूटूथ स्क्रीन ऑफ डेथ एरर यहाँ पे नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से इसका जो VRM है वो काफ़ी डिसेंट है। बट अगर आप यहाँ पे VRM को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो तो यहाँ पे आप टेक कम्युनिटी में यहाँ पे जो है अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, जिनके पास जो है ये वाला मदरबोर्ड है वो आपको बहुत आसानी से हेल्प कर देगा, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप YouTube वीडियोस भी तो देख सकते हो, राइट। तो आप फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, ये वाला मदरबोर्ड जो है जिस प्राइस में आता है, लाइक ये वाला मदरबोर्ड आपको Amazon में अराउंड 9500 रुपये देखने को मिल जाएगा। अब इसी प्राइस रेंज में यहाँ आपको MSI का Tomahawk Max मदरबोर्ड भी मिल जाएगा, बट इस प्राइस रेंज में GigaByte जो है काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पोर्ट्स यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि USB पोर्ट और कुछ यहाँ पे पोर्ट्स एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सारे फीचर्स को का फ़ायदा यहाँ पे उठाना है, या फिर आपको इसका लुक पसंद है, या फिर आपके बिल्ड में ये अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे आप इसको ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। बट ओनली डाउनसाइड इस मदरबोर्ड का ये है कि यहाँ पे GigaByte का जो RGB फ्यूजन वाला सॉफ्टवेयर है उसमें ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैसे ही इफेक्ट है, मतलब 7 ही इफेक्ट है मेरे हिसाब से, और वो सारा भी उतने अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, उतना अच्छा इफेक्ट नहीं है। बट देन अगेन, अगर आप कोई स्टैटिक मोड पर्सन हो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगा। सो दैट वॉज फॉर एनी गाइज, आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आए, और आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी कभी, क्योंकि हम लोग इस तरह का ऑसम ऑसम कॉन्टेंट लेके हमेशा आते रहते हैं। एंड आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।